हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टोरी टॉपर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग क्लास नाइन का दो चर रैखिक क्या पढ़ने वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले है? दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने वाले। तो हम लोग का ना क्वेश्चन क्या 8 तक देख लिए ना। अगला क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर है ना। आप 9 नंबर में क्या देखे हैं? 9 नंबर बोला निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के चार हल निकाले। कितना हल निकालना है आपका समीकरण में? दिया है ना समीकरण, उसमें कितना हल निकालना है? चार यहाँ निकालना है, चार हल निकालना है। तो चलिए हम देखिए, आप पहला ए बी और सी तीन हम बना देते, आप एक आप अपने से बना लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते, क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ना, सोल्यूशन स्टार्ट करते क्या जाएगा? एक्स बराबर में 4y, यही ना आपका दिल है। तो देखिए हमको कितना हल निकालना, चार हल। कितना निकालना है? चार हल। तो देखिए x का मान, y का मान अगर कुछ भी रखते तो x का मान निकल जाता। चलिए क्या लेते हैं, क्या जब y बराबर कितना लेते हैं, जब y बराबर क्या जाएगा आपका जीरो, क्या जाएगा जीरो। तो क्या x बराबर में 4 गुने में y की जगह कितना रखना है? जीरो। आपका x का मान कितना आ गया? जीरो। तो एक वो निकल गया आपका। अब क्या करते हैं फिर, क्या फिर y बराबर 1 लेते, क्या लेते हैं 1। देखो y का मान कितना, तो हो जाएगा x बराबर में 4y, यही ना आपका समीकरण। एक्स बराबर हो जाएगा 4 × 1 बराबर में 4। तो एक्स का मान कितना गया? 4। जब वाई का मान कितना लिए? 1 लिए थे। फिर हो जाएगा आपका, फिर आपका हो जाएगा, फिर वाई बराबर कितना लेते हैं? 2 लेते हैं। क्या लेते हैं? 2। आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर आपका मान अलग अलग आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर नहीं दिया है, क्योंकि आप मान कुछ भी ले सकते हैं। तो वाई बराबर 2, तो हो जाएगा एक्स बराबर में 4y, एक्स बराबर हो जाएगा 4 × 2 बराबर में 8, यानी एक्स का मान कितना गया? 8। चलिए y बराबर फिर क्या करते हैं, फिर y बराबर -1 लेते, क्या -1, तो हो जाएगा x बराबर क्या जाएगा? x बराबर 4y ना, तो x बराबर हो जाएगा 4 × -1 गुना करके 4 माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 निकला ना, क्या देखिए, तो चार हल निकले। चारों को एक एक बॉक्स बना के रख दीजिए, एक एक दो तीन चार, क्या है? चार। अब हो जाएगा एक का मान वाई का मान। तो चलिए क्या करते, देखिए जब वाई का मान जीरो रखे, क्या रखे थे? जीरो। तो एक का मान कितना आया था आपका? जीरो। क्या आया था? जीरो। फिर वाई का मान 1 रखे, क्या रखे थे? 1। तो एक का मान कितना आया था आपका? 4। देखिए कितना आया था? 4। फिर वाई का मान 2 रखे, कितना? 2 रखे है, तो एक का मान 8 आया। फिर वाई का मान -1 रखे है, तो एक का मान -4 आया। आपका चार हल हो गया। कितना हल हुआ? चार हल निकला था, हमको चार हल निकल गया। तो अगला क्या है आपका? बी नंबर, एक्स प्लस 2y बराबर में माइनस में, एक्स प्लस 2y बराबर में -2, क्या है? एक्स प्लस 2y बराबर में माइनस में क्या है? 2 है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, या तो x का मान निकाल लेते चाहे y का मान निकाल लेते, ये ना करते हैं, किसी को रोकना पड़ेगा, या तो x को लिख लिया चाहे y को रोक लिया, किसी को क्या करते हैं, रोकना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं, इसको उधर करते हैं, एक्स बराबर हो जाएगा -2 आई माइनस में हो जाएगा आपका 2y, क्या जाएगा? माइनस में 2y हो जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, अब मान रखते, क्या करते, देखिए x हो गया अकेले ना गया, तो y का मान निकाल एक साइड कर लिया, या x x y को दोनों को एक साइड कर सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं आप, क्या रखते हैं आपको x का मान निकालना है, तो एक क्या करते हैं y, y वाला कितना रखते हैं? 0। क्या रखते हैं? 0। क्या रखते हैं? y का मान 0 रखते हैं। तो हो जाएगा x बराबर -2, क्या जाएगा? -2 -2y हो जाएगा, तो वाई का कितना है? 0। तो एक्स बराबर हो जाएगा -2 -2 × 0, एक्स बराबर आपका हो जाएगा, ये गुना करके 0 आएगा, माइनस में 0, और 0 में क्या है? -2 में से 0 घटाई है, जो ये कोई फर्क नहीं, तो माइनस में 2 आया। कितना गया? माइनस में 2 आया आपका। फिर क्या, फिर वाई क्या, वाई बराबर ले लेते हैं 1, क्या लेते हैं 1, तो हो जाएगा एक्स बराबर -2 -2y, एक्स बराबर हो जाएगा -2 -2 × कितना रखे वाई का मान 1, तो एक्स बराबर हो जाएगा, देखिए 2 × 2 = 2 × 4 माइनस में 4 हो जाएगा, ये भी आपका माइनस में, तो गुना करता है -2 हो जाएगा, और 2 − 4 हो जाएगा, दोनों है माइनस वाला, 4 हो जाएगा। क्या करते हैं फिर वाई बराबर क्या लेते हैं? -1 लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर ना, वाई का मान आप कुछ भी, आप अपना तरीका से कुछ ले सकते हैं यहाँ, इसलिए आंसर आपका इसका नहीं दिया गया।
तो चलिए फिर हो जाएगा x बराबर जाएगा माइनस टू वाई, तो x बराबर हो जाएगा माइनस में टू, माइनस टू इंटू क्या होगा, टू इंटू माइनस माइनस टू इंटू हो जाएगा आपका माइनस में हुआ, देखिए माइनस माइनस प्लस टू, तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस टू आई माइनस वन प्लस में टू, ये दोनों कट के x का मान क्या आ गया आपका जीरो, क्या गया जीरो। तीन हल निकाला, एक हल और निकालना होगा हमको, क्या एक हल और निकाल देते आपका यहाँ पर। चलिए यहाँ पर निकाल देते, क्या करते हैं यहाँ पर निकालते एक हल, फिर क्या करेंगे, फिर y बराबर कितना लेना है आपको, y बराबर कुछ भी ले सकते हैं आप अपना मन से, चलिए टू ले लेते, क्या लेते हैं टू, तो ये आपका समीकरण है ना, है क्या निकला x, x बराबर आपका माइनस में टू, माइनस टू इंटू में टू, x बराबर हो जाएगा माइनस टू आई माइनस में दूना चार, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में मतलब माइनस में छ हो जाएगा। तो चलिए आप लिख दीजिए क्या आया है, सभी को लिख देते हैं, एक्स वाई यही ना आपका। चलिए देखिए पहला क्या था, वाई का मान जीरो रखे थे, एक्स का मान कितना आया था आपका माइनस टू, जीरो माइनस में टू हो गया, फिर वाई का मान वन रखे थे क्या वन, तो आपका एक्स का मान आया था माइनस में चार, क्या था माइनस में चार, जब वाई का मान माइनस वन रखे कितना रखे थे माइनस वन, तब जीरो आया था, एक्स का मान कितना आया था जीरो, जब वाई का मान टू रखे थे एक्स का मान माइनस में छ आया था, तो ये हो गया चार हल हो गया, क्या है एक दो तीन चार, तो समीकरण कितना हल निकाला चार, तो तीन अब बच गया सी डी, तो हम आपको सी निकाल देते हैं, डी आप खुद से निकाल लीजिएगा। चलिए क्या करते हैं सी निकालते हैं ना, सी आपका कितना दे लिया है, टू एक्स माइनस में थ्री वाई होगा, क्या है आपका थ्री वाई बराबर में छ, इस बार देखिए इस बार एक्स को उधर कर देते ना, नहीं वाई वाला का ही कर देते, क्या माइनस में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वाई वाला को उधर कर दीजिए, 2x बराबर में हो जाएगा छ, माइनस में आ जाएगा प्लस में तीन वाई, देखिए अभी भी नहीं निकला है मान, अभी नहीं निकला, देखिए हमको x को रुक रहा है, टू आई इसको गुना में तो भाग में कर देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा छ प्लस में थ्री वाई बटा में टू। आप चलिए अब हो गया आपका, अब मान निकालिए क्या लगा, आप कुछ भी रखिए y की जगह पर कुछ रखिए मान निकालते, देखिए ऐसा रखिए कुछ में, तो तीन क्या जगह आपका एक्स बराबर रख देती है दो, बोले वाई ना रखना है, जब क्या जब वाई बराबर टू, क्या रख दिए टू, वाई बराबर कितना है आपका टू रख दिए हैं, तो हो जाएगा आपका एक्स बराबर छ प्लस में थ्री वाई बटा में टू, एक्स बराबर हो जाएगा देखिए छ प्लस में थ्री गुने में वाई की जगह पर टू बटा में टू, एक्स बराबर हो जाएगा देखिए तीन दुना छ, छ छ बारह बटा में दो कर देगा तो दो छक बारह, एक्स का मान कितना गया छ। चलिए एक और रख देते हैं ना, वाई बराबर क्या रख ले जीरो, वाई बराबर जीरो पर भी चेक कर लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स बराबर छ प्लस में थ्री वाई बटा में टू, एक्स बराबर हो जाएगा छ प्लस थ्री गुने जीरो बटा में टू, एक्स बराबर हो जाएगा जीरो जाएगा तो छ बटा में टू तीन, कितना गया एक्स बराबर तीन, दो निकला अभी दो और निकालना हमको, तो हो जाएगा आपका दो और निकालना है ना, तो जगह कितना एक्स बराबर आपका है, क्या करते हैं वाई बराबर क्या लेते हैं आपका वाई बराबर माइनस टू लेते हैं, क्या लेते हैं माइनस टू, वाई बराबर माइनस टू क्या ले लिए माइनस टू, तो एक्स बराबर है ना सभी एक्स बराबर छ प्लस में थ्री वाई बटा में टू, एक्स बराबर हो जाएगा छ प्लस में थ्री इंटू माइनस में टू, वाई कौन कितना है माइनस टू, आपका हो जाएगा दो, क्या होगा दो, इसको क्या करते हैं एक्स बराबर हो जाएगा छ माइनस छ बटा में टू, एक्स बराबर हो जाएगा जीरो बटा में टू, तो आपका जीरो आ गया, एक्स मान कितना आ गया जीरो आ गया। अब एक और ले लेते हैं ना, तीन निकला चार निकाला, कितना हल निकाला आपका चार, चार हल निकलेगा तब जाके आपका खत्म होगा समीकरण, तो यह हो जाएगा आपका फिर क्या करते हैं फिर लगा लीजिएगा आप, छूट गया लगा लीजिए आप खुद से, फिर हो जाएगा वाई बराबर कितना रख देते हैं आपको माइनस चार रख लेते हैं, क्या रख लेते माइनस चार, कुछ भी रख सकते हैं इससे कोई दिक्कत नहीं, एक्स बराबर कितना है छ प्लस थ्री वाई माइन बटा में टू, एक्स बराबर हो जाएगा छ प्लस में थ्री गुने में माइनस में फोर बटा में टू, एक्स बराबर हो जाएगा छ, देखिए प्लस माइनस माइनस चार थ्री बारह बटा में
टू एक्स बराबर हो जाएगा माइनस में छ बटा में टू बराबर में थ्री। तब चलिए इसका भी मान आ गया। देखिए क्या था, अब कहां से क्वेश्चन है ना, जब y बराबर क्या रखते टू तो x का मान कितना है छ, टू बटा में छ आ गया। जब फिर y का मान जीरो रखे हैं तो x का मान तीन आया, फिर y का मान माइनस टू रखे तो x का मान आपका कितना आया, x का मान जीरो आया, कितना आया आपका माइनस टू रखने पर x का मान कितना जीरो है, माइनस टू ये होगा जीरो। अब x का मान माइनस फोर रखे है तो y का मान फोर रखे माइनस में, तो ये आपका x का मान आया प्लस में थ्री, तो ये आपका चार हल हो गया। तो बच गया आपका ये वाला समीकरण, देखिए इसको उधर ले जाके माइनस में कर लीजिएगा। देखिए हम कर देते हैं x बराबर छ माइनस में टू वाई, अब y का मान रखिएगा x का मान निकलता चला जाएगा। आप इस पर अपने से चेक कर लीजिएगा, क्या करिएगा खुद से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए इसका क्या करें आप लोग, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका दस नंबर, बोला है क्या निम्नलिखित मान युग्म में x माइनस टू वाई बराबर चार के हल है, जहाँ से क्या करना है जो दिया गया है ना, तो वह बोला क्या निम्नलिखित मान युग्म में x माइनस टू वाई बराबर चार के हल है कि नहीं, मतलब इसको ना दिया गया है ना सर, तो इस समीकरण का हल है कि नहीं चेक करना। क्या चेक करना है इसके, देखिए इधर ना इसके बराबर करना चाह, मतलब दोनों पट्टी का इधर चार है तो इधर भी चार करके लाना है, जिसका इसीलिए बोला कि दिए गए क्या निम्नलिखित मान युग्म x माइनस टू वाई बराबर चार के हल है कि नहीं जांचना है। चलिए जांचते हैं, चलिए क्या है आपका पहला ए लेते, क्या लेते हैं ए, ए है आपका, देखिए ए में पहले क्या है वन कॉमा वन, यही ना आपका वन कॉमा वन पर चेक करते हैं। तो आपका समीकरण क्या देने हैं x माइनस टू वाई बराबर फोर, क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं आपका। तो देखिए क्या लगा, तो x जब x का मान है ये y का, ये x का मान y का, तो चलिए भर देते हैं आपका हो जाएगा वन माइनस में टू इंटू में वन बराबर में चार, दो कम दो, दो में से गया तो आपका लगा माइनस में एक बराबर में चार, जो कि बराबर नहीं है, क्या है जो बराबर नहीं है। देखिए क्या लगा आपका माइनस वन है इधर चार, दोनों बराबर है नहीं बराबर, क्या है बराबर नहीं है। तो क्या लगा वन कमा वन समीकरण, क्या लगा समीकरण एक्स माइनस टू वाई बराबर चार के हल नहीं है, क्या नहीं है हल नहीं है, क्या लगा हल नहीं है, तब हल नहीं है, क्या हल नहीं है। चलिए अगला चेक करते हैं बी नंबर, क्या करते हैं बी नंबर, देखिए हम आपको ए बी और डी चेक करते हैं, सी आप अपने से चेक कर लिया, कुछ अपना से भी बना, आपको खाली समझना है, कुछ नहीं किया। एक्स के जगह कितना एक्स वन रखे है वन हो गया, वाई के जगह पर कितना वन, दो कम दो एक, ये प्लस में एक है माइनस में दो, घटे गया था माइनस में एक है बराबर में चार, ये दोनों बराबर नहीं ना, इसलिए इसको काट दिए एक कमा एक समीकरण एक्स माइनस टू वाई बराबर चार के हल नहीं। बी नंबर क्या चेक करते हैं बी नंबर, दो कोमा में जीरो, तो चलिए समीकरण लिखते हैं, क्या लिखते हैं एक्स माइनस टू वाई बराबर में चार। देखिए दोनों पट्टी बराबर है तो हल होगा, दोनों पट्टी बराबर नहीं है तो हल नहीं होगा। तो चलिए हो जाएगा आपका एक समान कितना है दो, दो माइनस में ये आपका दो गुने में वाई का मान जीरो बराबर में चार हो जाएगा, दो ये हो जाएगा माइनस जीरो बराबर में चार, दो बराबर चार, देखिए दो बराबर होगा चार के नहीं होते, ये भी आपका कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका दो कॉमा जीरो समीकरण एक्स माइनस टू वाई बराबर चार के हल नहीं है, क्या नहीं है हल नहीं है, हल नहीं है। अगला आप देखिए अगला क्या है तीन नंबर डी देखते हैं, सी छोड़ दे, सी आप खुद से बना लीजिएगा, एक्स जगह पर छ रखे वाई के जगह पर वन, चाहे हम चारों बनाते हैं इसमें, चलिए जल्दी से बनाते क्या छ कॉमा वन यही ना आपका, तो सी नंबर हो जाएगा एक्स बराबर एक्स बराबर टू वाई माइनस में टू वाई बराबर में चार, एक्स बराबर कितना छ माइनस में दो गुने में वन बराबर में चार, घटेगा तो हो जाएगा आपका देखिए छ में से दो जाए दो कम दो घटेगा तो चार बराबर में चार, ये आपका बराबर हो गया, तो हो जाएगा आपका छ कॉमा वन समीकरण एक समीकरण समीकरण एक्स माइनस टू वाई बराबर चार के हल है, क्या हल है। अगला देखिए डी नंबर क्या है डी नंबर, बारह कॉमा छ चार है ना, ये आपको चेक करना है, तो एक समान बारह वाई का मान चार, तो चलिए समीकरण लिखते, समीकरण पर क्या है
एक्स माइनस टू वाई बराबर में चार है ना दादा, एक समान 12 माइनस में 2 गुने में चार, सॉरी चार ना आपका, चार बराबर में चार, 12 माइनस में 4 दूना 8 बराबर में चार, घटेगा तो आपका चार बराबर में चार, ये भी याद रहेगा आपका 12.4 समीकरण, समीकरण एक्स माइनस टू वाई बराबर चार, क्या है एक्स माइनस टू वाई बराबर चार के हल है, चार के हल है, ये आपका यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए चारों बना दिए, अब बच गया ये क्वेश्चन, देखो अभी देखेंगे 11 है क्या, अगला क्या है 11, 11 नंबर आपके क्वेश्चन लास्ट है इस अध्याय का, आपका लास्ट क्वेश्चन प्रश्न लिखा लास्ट क्वेश्चन है, बोला कि उस समीकरण को याद करें जिसके तीन हल निम्न सारणी से प्राप्त, मतलब तीन हल प्राप्त है, इसको हम क्या निकालना है, समीकरण निकालना है, क्या निकालना है समीकरण निकालना, तो क्या चलिए इसको निकालते हैं। देखिए इसमें ना हम आपको चेक कर सकते हैं कि इसमें देखिए तीन से गुना करेंगे तो क्या क्या, तीन से गुना करेंगे तो तीन हो जाएगा, घटाएंगे सात कितना चार आ गया, इसमें तीन से गुना छह, छह में दो चार, सभी में तीन से गुना करने पर ना घटने पर कितना चार आ रहा है, देखिए इसको देखिए क्या लगा, अब इसमें तीन से गुना है तो माइनस तीन गुने मतलब वन गुने माइनस तीन और प्लस में चार, इसको कोटि को जोड़ देना, सात आपका कितना जाएगा चार, तीन एकम तीन माइनस तीन और माइनस तीन और सात प्लस में, सात में तीन रहता चार, अब इसमें गुना छ हो जाएगा, तीन दूना छ और माइनस में दो तो आपका ये भी आपका चार आ गया, अब देखिए इसमें छह छत्री अठारह, तीन से गुना करना है, छत्री अठारह माइनस में 14 बराबर चार, इससे पता चल रहा है कि ना कोटि क्या है आपका भुज है, भुज में तीन से गुना कर आ कोटि के जोड़ने में क्या रहा आपका चार चार आ रहा है, इसे प्राप्त हो रहा कि सभी में क्या का चार चार आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं ना, अब क्या रहा ए का आंसर क्या बोल सकते हैं, भुज क्या भुज में तीन से क्या, तीन से क्या रहा भुज में तीन से भुज में तीन से गुना तथा तथा कोटि क्या है, कोटि का योग, भुज में तीन से गुना तथा कोटि का योग चार है, क्या है चार है, तो अब इसको तो भुज किसको कहते हैं, एक 16 का तो हो जाएगा, एक में कितना थ्री एक्स, क्या रहेगा थ्री एक्स, अब प्लस क्या है कोटि क्या है आपका वाई बराबर में चार, कितना रहा बराबर में चार, तो ये आपका समीकरण, इसको एक और तरीका से लिख सकते हो जाएगा वाई बराबर हो जाएगा माइनस में थ्री एक्स प्लस में चार, ये आपका एक समीकरण हो जाएगा, आपका ये एक समीकरण हो गया, तो हमको समीकरण निकालना था, क्या निकालना समीकरण। देखिए अगला आपका है बोल रहा है इसमें ना, देखिए इसमें देखिए ना इसको चार दुना आठ है नौ, नौ आ बटा में दो माइनस दो आ एक तीन, तीन बटा में दो एलसीएम लेते कितना दो, नौ माइनस में छ बराबर में कितना है तीन है, तीन बराबर छ बटा में दो आपका तीन आया, क्या आया इसको भी आप घटाएंगे ना तो क्या आया तीन आया, देखिए ये आपका देखिए इसको भी चेक कर लेते, क्या आपका वन बटा दो है, इसका दो दूना चार, चार आ चार एक पांच, तो ये आपका माइनस आई वाला जगह माइनस पांच बटा में दो, इसके आंसर में दो हो जाएगा एक माइनस में प्लस, प्लस में पांच आपका हो जाएगा छ बटा में दो, इसको भी तीन आया, तो क्या रहा मतलब भुज क्या है कोटि और भुज को योग क्या था आपका अंतर क्या है, कोटि में से भुज को घटा रहे थे कितना रहा आपका तीन आ रहा है, कितना रहा तीन आ रहा है, क्या रहा आपका तीन आ रहा है, क्या करें कोटि में से भुज के घटाने पर आपका क्या रहा तीन आ रहा है, कितना रहा तीन आ रहा है, तो चलिए इसको कर देते लिख सकते हैं ना, कोटि क्या है कोटि और भुज का अंतर अंतर तीन है, क्या है तीन है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई बराबर में तीन, इसको कैसे कर सकते हैं ना आपका कोटि का ना कोटि, तो वाई माइनस में एक्स हो जाएगा, वाई माइनस में एक्स बराबर तीन, तो वाई बराबर हो जाए आपका एक्स प्लस में थ्री, क्या है देखिए आपका समीकरण क्या है वाई बराबर एक्स प्लस में थ्री, क्या है आपका ए आंसर, तो आपका दोनों का समीकरण निकल गया, क्या है दोनों का समीकरण निकल गया आपका। तो चलिए ये एक्सरसाइज आपका समाप्त हो गया, अगला एक्सरसाइज इसका देखेंगे।